हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ गोपीनाथन मिस्ट्री ट्रेल्स इन कर्नाटका। आज इस टेंट में मैं रहूंगा। इस टेंट का आकार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सर्कुलर या डोम शेप का ये टेंट है। और ये जो कैंपसाइट है इसका नाम है गोपीनाथम मिस्ट्री ट्रेल्स। ये एक मैनमेड डैम है, आप देख सकते हैं डैम के राइट पे पानी और जंगल है। और ये जंगल जो दिख रहा है दोस्तों, यही है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और डैम के दूसरे तरफ है ये सुंदर गांव, खेती और पहाड़। सूरज की किरणें अभी पहाड़ों से ऊपर आ रही है, बहुत ही सुंदर दृश्य है दोस्तों। अब हम सफारी के लिए निकले हैं दोस्तों। ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको, उसके ठीक पीछे है मलई महाडेश्वर हिल्स, या उसी को बोलते हैं एमएम हिल्स। ये है दोस्तों सफारी का पहला वाइल्ड लाइफ, स्पॉटेड डियर्स या चीतल। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है लगभग 1,081 स्क्वायर किलोमीटर्स या 1,081 स्क्वायर किलोमीटर्स। और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, बीआरटी टाइगर रिजर्व, बनरगट्टा नेशनल पार्क और एमएम हिल्स सेंचुरी से जुड़ी है। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दो महत्वपूर्ण हैबिटेट्स है। पहला हैबिटेट है वुडलैंड सवाना। वुडलैंड सवाना भारत का महत्वपूर्ण हैबिटेट है। इसमें बारिश की कमी रहती है और यहाँ के पेड़ों ने खुद को कम बारिश और ड्राई वेदर के लिए अडेप्ट कर लिया है। वुडलैंड सवाना पहले तुमकुर, बेल्लारी, चित्रदुर्ग और दावणगेरे में हुआ करते थे, पर मानवीय हस्तक्षेप, डेवलपमेंट, माइनिंग के कारण वुडलैंड सवाना दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दूसरा हैबिटेट है रिवरीन हैबिटेट। ये हैबिटेट कावेरी नदी के किनारे है। पलार, डोडाहल्ला और मिनरहल्ला, ये ऐसे स्ट्रीम्स के आसपास रिवरीन हैबिटेट मौजूद है। नदी के आसपास अर्जुन, टैमरिन, जामुन, रोज, सैंडलवुड ऐसे पेड़ रिवरीन हैबिटेट को यूनिक बनाते हैं। समर सीजन में जब हर जगह जंगल सूख जाता है, उस वक्त ये रिवरीन हैबिटेट हरा भरा रहता है और वो जंगल की सौंदर्यता को बढ़ाता है। दोस्तों, यहाँ पे मोर का एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर आप देख रहे हो। हमें ऐसे लगता है कि मोर मोरनी को अपने कलरफुल पंखों से आकर्षित करता है, पर सच तो ये है दोस्तों कि मोर अपने पंख फैलाकर पाँव के जो मसल्स रहते हैं या ताकत, वो दिखाता है। और इसलिए मोर मोरनी की तरफ पीठ दिखा के खड़ा होता है, ताकि मोरनी मोर के पीछे के मसल्स या ताकत देख के आकर्षित हो पाए। कई बार मोर पंख फैला के नाच रहा होता है और तभी उसे पीछे का दिखता नहीं, और यही वो टाइम रहता है जब टाइगर या लेपर्ड मोर पे पीछे से अटैक कर लेता है। ये जो सुंदर पक्षी आप देख रहे हो, इसका नाम है नीलकंठ या इंडियन रोलर। इंडियन रोलर कर्नाटका का स्टेट बर्ड भी है। जैसे ही हम सफारी रोड पे जा रहे हैं, तो दोनों तरफ हमें कई प्रकार के पक्षी दिख रहे हैं, जैसे कि बीटर, उपॉय, मुनिया, डव, फ्लाई कैचर्स, कई प्रकार के आउल्स या उल्लू, मलकोहा एंड ईगल। अगर आप बर्ड वॉचिंग या बर्ड फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं दोस्तों, तो यह जगह आपके लिए बिल्कुल स्वर्ग है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बर्ड डाइवर्सिटी है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। दोस्तों, ये देखिए परफेक्ट कैमोफ्लाज। ये ईगल आउल इन पत्थर और मिट्टी से इतना घुल मिल गया है कि दूर से इसको देख पाना काफ़ी मुश्किल है। दूर से पहले मुझे ये बिल्कुल दिखा नहीं, और जब मैंने कैमरा जूम किया तब इसकी सुंदर आंखों के कारण मैं इस ईगल आउल को देख पाया। बटरफ्लाइज या तितलियों का एक यूनिक बिहेवियर है।
इसे कहते हैं मड पडलिंग। मड पडलिंग के टाइम बटरफ्लाइज मिट्टी से उन्हें जो न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट या अमीनो एसिड चाहिए वो ले लेती है। हम जब सफारी से वापस आ रहे थे तो हमें कई जानवर दिखे, जैसे हिरन, सांबर, लंगूर, और एक जगह पे हमने हाथी की आवाज़ भी सुनी। हम कुछ देर वहाँ पे रुके, लेकिन हाथी झाड़ियों से बाहर नहीं निकला। गाँव वाले और इतना वहाँ पे हमने डरते कुछ हैं। टाइम वेट भी किया, और अंदर वहाँ पे काफ़ी अच्छी छाव और पानी भी था, तो शायद हाथी ने वही रुकना ठीक समझा। अभी दोस्तों मैं कैंप साइट जाके ब्रेकफास्ट करूँगा, और उसके बाद हम चलेंगे कोराकल राइड इसी लेक में। कैंप साइट पे बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है दोस्तों, जैसे ये पूरी, सब्जी, शीरा, उपमा और चाय। अब निकलते हैं कोराकल राइड के लिए। ये जो मैन मेड लेक है उसी में हम कोराकल राइड के लिए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों कितना साफ आसमान है, नीला आसमान, पानी के ऊपर जंगल से आती हुई ठंडी, स्वच्छ और ताज़ी हवा। सच में दोस्तों ये बहुत ही सुंदर और स्वर्गीय जगह है। इतनी खूबसूरत जगह से मेरा वापस जाने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन निकलना तो पड़ेगा क्योंकि ऐसी और सुंदर जगह मुझे एक्सप्लोर करनी है और आपको भी एक्सपीरियंस कराना है। मैं कैंप साइट से जस्ट निकला ही था तो मुझे ये मॉनिटर लिजार्ड रोड क्रॉस करता हुआ मिला। इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये था वीडियो गोपीनाथम मिस्ट्री ट्रेल्स के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।